नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, नीतीश कुमार खेला करने वाले हैं क्या, नीतीश कुमार बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव के हाथ में देकर जाने वाले हैं। आज के दिन भी नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को बुलाया था, बैठक की, और बैठक में बहुत सारी बातें हुई होंगी। नीतीश कुमार बार बार बैठक कर रहे हैं, नीतीश कुमार बार बार अपने विधायक और सांसद से बैठक करके बातचीत कर रहे हैं। आज के दिन भी नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को बुलाया था, बैठक की, और बैठक में बहुत सारी बातें हुई होंगी। मगर नीतीश कुमार की यह पहली बैठक नहीं थी। आज से कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को भी बुलाया था और उनके साथ भी बैठक की थी। नीतीश कुमार बैक टू बैक 23 तारीख के बाद जिस दिन विपक्षी एकता की बैठक हुई उसके बाद नीतीश कुमार बैक टू बैक बैठक कर रहे हैं। क्या ये बैठक नीतीश कुमार के मन में कुछ और है? नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? नीतीश कुमार खेला करने वाले हैं क्या? पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मेरा नाम हमजा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। अब आते हैं उस कहानी पर कि नीतीश कुमार की बार बार की बैठक क्या कहती है, क्या बताती है। देखिए, नीतीश कुमार यूं ही बैठक नहीं करते। नीतीश कुमार को दो चीज जो अभी सबसे ज्यादा, क्योंकि नीतीश कुमार की उम्मीद थी कि हो सकता है कि लालू यादव 23 की जो 23 जून को बैठक हुई उसमें उनको विपक्ष का दूल्हा सब बोल दे, मगर बोला राहुल गांधी को। अब उस बात से भी नाराज हो सकते हैं नीतीश कुमार। क्या याद कीजिए, जब 2017 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, वो और एनडीए के साथ गए थे, उससे पहले भी नीतीश कुमार अपने नेताओं के साथ मुलाकात की थी। याद कीजिए, जब आज भाजपा का साथ छोड़ा था उससे पहले भी अहले सुबह नीतीश कुमार अपने नेताओं से मिले थे। अब फिर से नीतीश कुमार अपने नेताओं से बार बार बैक टू बैक मिल रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अब फिर से खेला करने वाले हैं? क्योंकि याद कीजिए, अभी का हाल फिलहाल का नीतीश कुमार का बयान, दो बार वो मीडिया के सामने आए, जब भी जितने बार भी मीडिया के सामने आए पीएम मोदी पर कटाक्ष नहीं किया है जिस हिसाब से वो कर रहे थे, और पीएम मोदी ने भी जब एक सभा में बाकी सारे नेताओं पर कटाक्ष किया था, पार्टी का नाम लेकर बोल रहा था, राजद टीएमसी घोटाले गिनती करवाए थे, जेडीयू और नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं बोला था। तो क्या अब फिर से दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके, या फिर कुछ और होने जा रहा है, या फिर नीतीश कुमार बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव के हाथ में देकर जाने वाले हैं और खुद दिल्ली के लिए निकलेंगे? मगर ये सारी क्यास है यार, ये सारी जो खबर है वो सूत्रों के हवाले से खबर है, मगर नीतीश कुमार का बैक टू बैक अपने नेताओं से बैठक करना, उनसे मिलना अभी हाल फिलहाल में, ये तो बता रहा है कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है वो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? नीतीश कुमार खेला करने वाले हैं क्या? नीतीश कुमार बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव के हाथ में देकर जाने वाले हैं। आज के दिन भी नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को बुलाया था, बैठक की, और बैठक में बहुत सारी बातें हुई होंगी।